बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपना ख्याल भी रखते होंगे। स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट कर लिया था अपना जो आपका फर्स्ट था डीमैट रूल वाला, और आपने साथ इसकी एक्सरसाइज भी कर ली। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। इसके हम देखते हैं कौन कौन से इसमें आ रहे हैं। कीजिए साहब, इसको गो थ्रू होंगे क्या क्या हमने आज सीखना है इसमें। नीचे देखें, मैथ फ्लैश, वी हैव ऑलरेडी लर्न टाइम टेबल। आपको टेबल आई होप के आते होंगे। डू आइडेंटिफाई इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन होते हैं जो टू के टेबल पे नहीं आए, जैसे 3, 5 और ऑड, सॉरी टू के टेबल पे जो आ जाएं 2, 4, 6, 8, ठीक है। और ऑड वो होते हैं, इसमें जीरो भी आता है, और ऑड वो होते हैं जो आपके टू के टेबल पे ना आए, 3, 5, 7, 9, ठीक है। दैट इवन नंबर्स कैन बी अरेंज इन पेयर्स विदाउट लिविंग आर रिमाइंडर, के जो ज़रा जो टू के टेबल पे आए वो पेयर्स उनके बन सकते हैं और इनका रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 8 कैन बी अरेंज, ऐसे हो जाता है। लेकिन जो 9 है उसको देखें, इनके पेयर पेयर बन गए और ये 1 इनका रिमाइंडर है, तो ये क्या हो गया आपका ऑड है। और इवन वो हैं जो आपके 2, 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ होल नंबर्स आर वेरी यूजफुल टू फाइंड आउट इफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स वी डोंट नीड टू डू लॉन्ग डिविजन्स। दीज रूल्स हेल्प अस टू टेस्ट इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर विदाउट डूइंग अ लेंथी कैलकुलेशन। वी यूज दीज टेस्ट टू फाइंड आउट द फैक्टर्स दैट मेकअप अ नंबर। देखें रूल वन, अब देखें पहले आपने डीमैट्स वाले रूल सीखे, अभी आपके फैक्टर्स में रूल आने लगे, तो वो देखें कौन से हैं। आपका रूल वन कौन सा है, एनी नंबर विद अ 0, 2, 4, 6, 8 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल मीन्स के डिवाइडेबल, ठीक है। ऑल इवन नंबर्स आर डिवाइडेबल बाई 2। ये देखें आपका 0 बेशक 2 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन 20 है तो 2 के टेबल पे आता है, 0 इधर आ रहा है, 10 है। ऐसे नंबर्स जिनके एंड में अगर यहाँ पे देखें आप हो आपका 25, 2 तो होता है 2 के टेबल, लेकिन 5 नहीं होता। इसका मतलब हमने लास्ट वाले को देखना होता है, फर्स्ट वाले को नहीं देखना होता। 20 है, 32, 45, 3 बेशक नहीं हो रहा, लेकिन हम इसको देखेंगे तो मीन्स ये दोनों के हैं आपके इवन है, और ये आपका ऑड है, बेशक यहाँ पे 4 है। आपने वंस में देखना होता है, तब से आपसे पता चलता है कि 2 के टेबल पर डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हमको हम इसमें 0 भी ऐड करते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 आर डिवाइजेबल बाय 2, ठीक है। 2 रूल में देखें आपका क्या आ रहा है, इफ़ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर एड अप टू अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 3, देन द ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिवाइजेबल बाई 3। कहते हैं जिसके देखें आप कौन कौन से नंबर हैं 3 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, एनी नंबर एड अप टू अ नंबर विच इज डिवाइड बाई 3, देन द ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो। कहते हैं अगर ऐसा नंबर जिसके एंड में 3 आए तो ओरिजिनल नंबर वो भी 3 के टेबल पर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह एनी नंबर विद अ 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज डिवाइड बाई 5। कहते हैं ऐसा नंबर जिस जो यूनिट पे आए, ऐसे आए तो जो 2, 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाता हो, तो वो क्या आपका 5 और 0। अब 2 है, इट्स मीन के 5 के टेबल पे नहीं आता। 35 है, आपने 3 को नहीं देखना है, यूनिट को देखना है, तो ये आपके 5 पे डिवाइडेबल है। इसी तरह 30 एंड में 0 आ रहा, तो ये भी डिवाइजेबल है। जिसके एंड में 0 और 5 आए तो वो 2 के टेबल पे 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह एनी नंबर विद द 0 एट द यूनिट प्लेस इज डिवाइड बाई 10। जिसके एंड में जस्ट 0 आता हो, 5 भी ना आता हो, तो इसका मतलब वो 10 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है। ये आपने याद रखने हैं रूल कौन कौन से हैं। एक तो 0, 2, 4, 6, 8 आए जिनके आखिर में, इसका मतलब वो 2 के टेबल भी डिवाइड हो जाते हैं, और ऐसे जिनके एंड में 3 आए और से पहले भी वाला भी डिवाइडेबल हो 3 के टेबल पर, तो वो मीन्स के 3 पर डिवाइड हो जाए। इसी तरह जिसके एंड में 0 और 5 आए यूनिट में, तो उसका मतलब कि वो 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, और ऐसा जिसके एंड में जस्ट 0 आए यूनिट में, तो वो 10 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। ये जैसा आपने आज का टास्क है कि आपने ये 4 जो है आपके रूल्स ये आपने याद करने हैं, तो ये इंशाल्लाह जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो हम कल कर लेंगे। आज का टास्क क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रूल्स हैं, ये आपने 1, 2, 3 एंड 4 ये आपने रूल्स याद करने हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।